खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए जीरे का तड़का लगाया जाता है, मगर ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में नकली जीरा बनाया जा रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि इसे तैयार करने के लिए घर की सफाई में इस्तेमाल होने वाले फूल झाड़ू का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने एक ऐसे गैंग को धर दबोचा है। रायबरेली में नकली जीरे का काला कारोबार करने वालों पर नकेल कसते हुए कोतवाली पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर कार्रवाई की और इस कार्रवाई में लगभग करोड़ों का माल बरामद किया। पुलिस की इस कार्रवाई से भाजपा नेता के बेटे समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता का बेटा किसी बड़ी कंपनी में जॉब छोड़कर इस काले कारोबार में शामिल हुआ था। पुलिस ने यहां करीब 1000 क्विंटल नकली जीरा बरामद किया है। इस बड़ी कार्रवाई से कारोबारियों में दहशत साफ देखी जा रही है। भाजपा नेता के बेटे अमित प्रकाश वर्मा और सत्येंद्र केसरवानी के गोदामों पर कार्रवाई की गई। नकली जीरा बनाने का ये खेल यूपी के रायबरेली के महाराजगंज में चल रहा था। यहाँ फूल झाड़ू बीज से नकली जीरा तैयार करने का अवैध कारोबार चल रहा था। नकली जीरा झाड़ू के जिस बीज से बनाया जाता था वो 10 रुपए में खरीदा जाता था, फिर उससे तैयार जीरा 220 रुपए किलो बेचा जाता था। मुख्य खाद्य निरीक्षक के मुताबिक नकली जीरा तैयार करने के लिए गुड़ का शीरा और संगमरमर पत्थर का पाउडर भी मिलाया जाता था। इस मिश्रण का प्रयोग धनिया पाउडर में भी किया जा रहा था। थाना महाराजगंज के अंतर्गत कुछ व्यापारियों के यहाँ छापा मारा गया है, जिनमें 715 क्विंटल जीरा जिसकी कीमत बाजार में 35 लाख रुपया है वो बरामद हुई है और पुलिस इस पर और आगे कार्रवाई कर रही है। लगभग कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है? गिरफ्तारी का करीब 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, एक व्यक्ति अरेस्ट किया गया है, बाकी कार्रवाई चल रही है। सर कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे, कैसे क्या? ये अभी तो वो गोदाम बना के अपने पास रखे थे, बाकी ये कहीं और सप्लाई करते हैं। उनके फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड सब चीज़ें देखी जा रही हैं। तो बनाते कहाँ थे सर? ये सब प्रक्रियाएँ अभी विवेचनाधीन है।